यात्रा सुरक्षित और मंगलमय रहे। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंद्रमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धो भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धो की यात्रा आत्मिक खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी। बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है। अपने
चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था। फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए, जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है, जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खड़ी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है, एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है, हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल
सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्म खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगत और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसी कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते।
पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्म खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावनात्मक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है।
तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे। अनावश्यक अलंकरणों से बचते, पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है। जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है जिसमे अतिश सहायता है खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मखोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावना तक गहराए अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है। अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगतता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।
पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है, क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था। फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे है और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे हैं, जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है, जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मिक खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है।
दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है, जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। तन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसी कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए, जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है, जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे है और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को।
सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंद्रमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धो भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धो की यात्रा आत्मिक खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है। अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंद्रमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फी के गाने कहानी को भी
अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमे अतिश सहायता है खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धो भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है, जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्म खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा है लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है, जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसी कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक
निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे। अनावश्यक अलंकरणों से बचते, पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है। जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है जिसमे अतिश सहायता है खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्म खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावना तक गहराए अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है। अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।
पर कथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है, क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था। फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पर कथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पर कथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है। जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमें अतिश सहायता है खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है, जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मिक खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है।
दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है, जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। तन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसी कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखी सी फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है, क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था। फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए, जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है, जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे है और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे हैं, जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को।
सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धो भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धो की यात्रा आत्मिक खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है। अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्व कक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसी कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धो के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे है और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी
अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पर कथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है। जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमे अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में, और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंद्रमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है, एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धो भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है, हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है, जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मखोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है, जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंद्रमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है, तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी, या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक
निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे। अनावश्यक अलंकरणों से बचते, पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है। जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है जिसमे अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंद्रमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धो भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्म खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।
पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है, क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था। फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे। अनावश्यक अलंकरणों से बचते, पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है। जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमे अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है, जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्म खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावनात्मक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है।
दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है, जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वनि नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए, जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है, जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को।
सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मखोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वानी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वनी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है। अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे है और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फी के गाने कहानी को भी
अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमे अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में, और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धो भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है, जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मखोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है, जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में, और जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक
निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे है और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है जिसमे अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंद्रमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धो भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मिक खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। त्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।
पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी सी फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है, क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था। फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खड़ी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है, एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है, हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है, जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्म खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावनात्मक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है।
दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराए अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है, जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वनि नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसी कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए, जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है, जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे। अनावश्यक अलंकरणों से बचते, पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है। जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमे अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को।
सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मखोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है। अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगत और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फी के गाने कहानी को भी
अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमें अतिश सहायता है खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसकी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है, जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मखोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा है लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावना तक गहराए अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है, जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसी कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक
निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे। अनावश्यक अलंकरणों से बचते, पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है। जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे हैं जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें ओटीटी रिलीज को लेकर तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धो भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है। हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धो की यात्रा आत्मखोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है। दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है जो एक विलक्षण प्रतिभा है लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वन्नी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।
पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है, क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था। फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे है और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमेटोग्राफी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, और जाने की OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए इस फिल्म को। सिद्धार्थ एक तर्क आधारित विश्व दृष्टि वाला एक प्रतिभाशाली बालक अपने व्यापक अध्ययन से एक भावनाहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है। इंदुमती से मिलने पर उसका जीवन बदल जाता है, एक लड़की जो उसे भावनाओं से परिचित कराती है। एक प्रतियोगिता में उससे हारने के बाद सिद्धू भावनात्मक जीवन की खोज करता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध परिवर्तन से गुजरता है, हालांकि उसके मनोवैज्ञानिक उथल पुथल सतह पर आती है, जो उसे अपनी बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन खोजने की चुनौती देती है। क्या सिद्धू की यात्रा आत्मिक खोज या आगे के संघर्ष की ओर ले जाएगी? बी यशस्वी द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ रॉय एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जो बीते दिनों के एक प्रिय बाल कलाकार दीपक सरोज की सिनेमाई परिवर्तन को एक प्रमुख भूमिका में दर्शाती है। ट्वन्नी नेगी और नंदिनी यल्ला रेड्डी, आनंद भारती, कल्याणी नटराजन, मैथ्यू वर्गीस और अन्य सहित सराहनीय सह कलाकारों के साथ फिल्म प्रेम, बुद्धि और भावना तक चरम सीमाओं की एक आकर्षक कहानी बनती है।
दीपक सरोज ने सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभाया है, जो एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। ये किरदार एक बाल कलाकार से टॉलीवुड में एक मजबूत उपस्थिति के रूप में उभर कर सामने आता है। किरदार की यात्रा और भावनात्मक गहराई अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित भूमिका से अपरिहार्य तुलना करती है। फिर भी सरोज का अभिनय अलग है, जो उद्योग में एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। त्वनी नेगी इंदु के रूप में अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध करती है, अपने चित्रण में आकर्षण और गहराई का मिश्रण करती है। मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री विशेष रूप से उनके रोमांटिक दृश्य में बोल्ड और ऑर्गेनिक दोनों है, जिसे कलाकारों के दमदार अभिनय द्वारा रेखांकित किया गया है। राधान द्वारा रचित फिल्म का संगीत बीच बीच में लोगों के दिलों को छूता है। सैम के नायडू द्वारा की गई सिनेमाटोग्राफी प्रभावशाली प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दृश्य अपील को बढ़ाती है। हालांकि संपादन में सुधार की गुंजाइश है, हालांकि फिल्म की कथा और पटकथा जुड़ाव बनाए रखने में विफल रही है। नायक के चरम व्यवहार पर दोहराव और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए धैर्य और उसकी शैलीगता और ठोस महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पटकथा में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण इसके अपील को बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद सिद्धार्थ रॉय एक गतिशील और साहसिक कथा प्रस्तुत करते हैं, जो एक्शन और जीवन के कुछ तत्वों से भरपूर समकालीन प्रेम कहानी की तलाश करने वाले युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। बता दें कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे आहा पर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ रॉय फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखी से फ्री में। सिद्धार्थ रॉय जीवन को तर्क और भोजन, नींद और अंतरंगता जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों द्वारा संचालित एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से अलग अलग युवा अप्रत्याशित रूप से इंदुमती के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी मान्यताएं उसके अपने विश्वासों से बिल्कुल अलग है। जब इंदु अचानक उसे छोड़ देती है तो उसके जाने का रहस्य बना रहता है। क्या वो सिद्धू के लिए लौटी थी या उसने उसके लिए खुद में बदलाव किया था? फिल्म इन रहस्यों को सुलझाने में जुटी है। दीपक सरोज को एक ऐसी कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साहसिक निर्णय के लिए मान्यता मिलनी चाहिए, जो आदर्श से अलग है। उन्होंने निर्देशक के दृष्टिकोण को सराहनीय ढंग से निभाया है और अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा अर्जित की है। तन्वी नेगी ने अपने किरदार के सर के साथ पूरी तरह से मेल खाते हुए एक ऐसा अभिनय किया है जो मनमोहक आकर्षण बिखेरता है। सहायक कलाकारों ने भी सराहनीय अभिनय की है, जो अपनी भूमिकाओं के प्रति सच्चे हैं और फिल्म की सुसंगतता को समृद्ध करते हैं। वो ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा समय में घनी दाढ़ी, लंबे बाल रखना और एक साथ दो सिगरेट पीना अक्सर रवैया दिखाने के तौर पर समझा जाता है, जो जरूरी नहीं है। कहानी भले ही कागज पर अच्छी हो, लेकिन नायक के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऑन स्क्रीन निष्पादन कमजोर पड़ जाता है। पटकथा भटकती है और कई बार बनावटी और निरर्थक लगती है। बोल्ड और उत्तेजक संवादों और चरित्र व्यवहारों के साथ साथ अनावश्यक प्रेम प्रसंग दृश्य को शामिल करना पारिवारिक दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहता है, जिससे फिल्म की समग्र अपील कम हो जाती है। फीके गाने कहानी को भी अव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम होती है। निर्देशक यशस्वी कहानी को और भी संयमित तरीके से पेश कर सकते थे, अनावश्यक अलंकरणों से बचते। पटकथा से गतिशीलता की कमी है और ये गति को बनाए रखने में विफल रहती है, जबकि सिनेमाटोग्राफी उम्मीदों पर खड़ी उतरती है, लेकिन स्कोर कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में विफल रहता है। फिल्म की गति को बेहतर बनाने के लिए दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण संपादन की आवश्यकता है, फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ रॉय एक रोमांटिक ड्रामा के रूप में उभरे है, जिसमें अतिश सहायता है, खासकर नायक के व्यवहार को चित्रित करने में। दीपक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन के अलावा फिल्म में जश्न मनाने के लिए बहुत कम है। दर्शकों, विशेष रूप से पारिवारिक दर्शकों को वैकल्पिक मनोरंजन विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। बात करें OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो आहा पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास आहा का सब्सक्रिप्शन है।